विजय माल्या फंसने के बाद नए नए रास्ते तलाशने में लगे हैं। पहले ऑफर पर बात न बनने के बाद माल्या ने अब दूसरा ऑफर सामने रखा है। शराब व्यापारी विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो बैंकों को 6,868 करोड़ रुपए लौटाने को तैयार हैं। इससे पहले माल्या ने 4,400 करोड़ रुपए लोन चुकाने को लेकर समर्थता जाहिर की थी। माल्या पर भारतीय बैंकों का कुल 9,000 करोड़ रुपए लोन बकाया है। हालांकि माल्या भारत वापस लौटने के सवाल पर चुप्पी साधे रहे। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक माल्या ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वो बैंकों को ज्यादा से ज्यादा 6,868 करोड़ रुपए लौटा सकते हैं। माल्या ने ये भी कहा कि किंगफिशर एयरलाइंस को फिर से चलाने की कोशिशें बढ़ते तेल के दामों, ऊंची टैक्स दर और खराब एयरक्राफ्ट इंजन की वजह से पूरी नहीं हो सकी। इन सब की वजह से उनके और उनके परिवार, यूबी ग्रुप और किंगफिशर फिनवेस्ट को 6,107 करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में दिए एफिडेविट में कहा कि वो उनकी पत्नी और बच्चे एनआरआई हैं। उनकी पत्नी और तीनों बच्चे 1996 से कैलिफोर्निया में रह रहे हैं। उनके एनआरआई होने की वजह से उनसे विदेश में मौजूद संपत्ति की जानकारी नहीं मांगी जा सकती। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि किंगफिशर एयरलाइंस को दिए गए लोन का इस्तेमाल विदेशों में संपत्ति खरीदने के लिए नहीं किया गया।